बजट है आपका 20,000 रुपए और आपको ऐसे बढ़िया 5G स्मार्टफोन चाहिए जो कि मार्च में आपको वैल्यू फॉर मनी दे, जिनके फीचर भी अच्छे हो और उनका प्राइस भी ठीक हो, तो वीडियो के अंदर मैं ऐसे ही 5 स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो कि 20,000 के अंदर आने वाले हैं और लगभग बढ़िया फीचर के साथ आएंगे। 5 मोटो G54 5G, इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर मेरे चैनल के अंदर देख सकते हैं। इसके फीचर के बारे में जाने तो 6.5 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले आएगी जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। MediaTek का 7000P प्रोसेसर आने वाला है जो कि एक नया सा प्रोसेसर है और काफी अच्छी प्रोसेसिंग ये देने वाला है। 50MP प्लस 8MP का आपको OIS रियर कैमरा देखने को मिलेगा, OIS इसको काफी अच्छा बनाता है। 16MP का फ्रंट कैमरा आने वाला है। 6000mAh की बड़ी बैटरी आती है जो कि 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है और ये Android 13 के साथ आने वाला है। ये आपको एक क्लीन Android के साथ देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है। 8GB की रैम आएगी और 128GB की स्टोरेज आने वाली है। इसका रेट आपको 14,000 देखने को मिलता है। 4 Samsung M34 5G, Samsung की ओर से आने वाला काफी अच्छा स्मार्टफोन है। 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर अमोलेड डिस्प्ले आती है, 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है जिससे इसकी डिस्प्ले काफी ज्यादा बढ़िया बन जाती है। एक्सिनोस का 1280 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। 50MP 8MP प्लस 2MP का OIS रियर कैमरा आता है। 13MP का फ्रंट कैमरा आने वाला है तो OIS होने की वजह से कैमरा काफी अच्छा हो जाता है। 6000mAh की बड़ी बैटरी आएगी जो कि 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये भी क्लीन एंड्रॉइड के साथ आएगा। फिंगरप्रिंट आने वाली है। 8GB प्लस 128GB का ये वेरिएंट होने वाला है। 16000 इसका प्राइस होने वाला है। इसकी खास बात है वन UI और इसके 4 साल के अपडेट्स। 3rd टेक्नो कैमन 20 प्रो 6.6 इंच की फुल HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले आएगी, 120Hz के रिफ्रेश रेट को ये भी सपोर्ट करती है। MediaTek का नए वाला 8050 प्रोसेसर आने वाला है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है। बैक में आपको 64MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा और ये भी OIS को सपोर्ट करता है और फ्रंट में आपको 32MP का एक बड़ा कैमरा देखने को मिलता है। 5000mAh की बैटरी आएगी जो कि 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये भी Android 13 के साथ आने वाला है। ये भी लगभग सभी कॉमन फीचर के साथ आने वाला है। फिंगरप्रिंट होने वाला है। 8GB 128GB का वेरिएंट होने वाला है। इसका रेट आपको 20,000 पड़ने वाला है। सेकंड लावा अग्नि 25G, ये एक इंडियन ब्रांड होने वाली है। 6.78 इंच की फुल HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले आएगी, 120Hz के रिफ्रेश रेट को ये भी सपोर्ट करती है, तो मोस्टली इन सभी की डिस्प्ले लगभग सेम होने वाली है। MediaTek का 7050 प्रोसेसर आने वाला है। 50MP का आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि इसके रेयर के अंदर होने वाला है। 16MP का फ्रंट कैमरा आएगा। 4700mAh की बैटरी आएगी जो कि 66W की काफी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये भी Android 13 को सपोर्ट करता है। ये भी आपको क्लीन Android के साथ आएगा। फिंगरप्रिंट होने वाला है। 8GB और 256GB का वेरिएंट होने वाला है। इसका रेट भी 20,000 होने वाला है। फर्स्ट पोको X6 5G, ये एक नया स्मार्टफोन है, कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ है। 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले आएगी, 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। स्नैपड्रैगन का 7S जनरेशन 2 प्रोसेसर आएगा, ये एक नया प्रोसेसर होने वाला है। 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP का OIS रियर कैमरा होने वाला है। 16MP का फ्रंट कैमरा आएगा तो OIS से काफी अच्छा हो जाता है। 5100mAh की बैटरी और 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Android 13 के साथ आने वाला है। फिंगरप्रिंट सेंसर आएगा। मोस्ट कॉमन सभी फीचर आने वाले हैं। 8GB और 256GB के रैम के वेरिएंट के साथ आने वाला है। इसका रेट 21,000 होने वाला है। ऑफर अगर आप इसको 20,000 से कम का परचेस कर पाएंगे। सो ये थे वो सब 5G स्मार्टफोन जो कि मार्च में 20,000 के अंदर आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफी सारे आते हैं, आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।